तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इस तरीके से बनाना है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट से। और नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो मैंने तो लौकी ले ली, तो बिल्कुल नरम लौकी है और आधे किलो की लौकी है वजन में लगभग। तो मैं इसको अच्छे से छील लेती हूँ, छिलका उतार लूंगी। छिलका बहुत सॉफ्ट रखी है लौकी, बिल्कुल छिलके भी नहीं, तरीके से नहीं उतर रहे। तो इनको ऐसे निकाल लूंगी मैं। तो दोस्तों छिलका उतार दिए और आगे पीछे पोर्शन काट दिए मैंने। तो अब इसको धो लेती हूँ। चलो इनको हटाते और इसको धो के लाते हैं। तो दो भागों में मैंने काट ली और इतने ले ली थाली, इतने एक किसनी। तो मोटी वाली किसनी है मेरे पास, तो इसी को तो जय नाम मैं किस लूंगी, अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। कद्दूकस हो गई अच्छे से, देखिए तो मैंने किस ली। तो अब इसको हटा देती हूँ। एक मीडियम साइज की प्याज काट ली मैंने पतली पतली, ये डाल देती हूँ। एक हरी मिर्ची है, दो हरी मिर्ची काट गई। अब डालूंगी एक कटोरी बेसन, एक कप के हिसाब से, एक कप है तो ये डाल दूंगी। अब डालूंगी आधी चम्मच अजवाइन, तो आधी चम्मच अजवाइन मैंने डाल दी। तो अब कुछ मसाले और डालूंगी, तो लाल मिर्ची डालूंगी, आधी चम्मच हल्दी डाल दे रही, फिर पिसी हुई धनिया। अब डालूंगी हरी धनिया, हरी धनिया जो काट के रखी थी। तो एक चम्मच नमक डाल दिया मैंने, तो एक चम्मच नमक चम्मच छोटी है, जरूरत के हिसाब से डाला जो अपने लगे उसमें। अब डालती हूँ दो चम्मच तेल, मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो चलो मिला लेती हूँ अच्छे से। तो चलो ये मिल गए, तो आप जल्दी से इसको ऐसे गोल गोल रोल बना लेते हैं। तो इसी तरीके से रोल बना के मैं इसे रख दूंगी। तो दोस्तों रोल मैंने बना लिए, तो अब करूंगी गैस को चालू कर दिया मैंने, रख दी कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालू पानी, तो पानी एक गिलास पानी डाल देती हूँ। तो जो पानी मैंने डाल दिया, इतना ले लीजिए छन्नी, तो ये वाली तो मैं इसमें लगाऊंगी तेल। तो चलो इससे तेल अच्छे से लगा देते हैं ऐसे बुरिश से। देखिए देखते हैं कुछ रखा है रखने में, नहीं कुछ नहीं रखा, रखने की जरूरत नहीं है। नीचे वैसे पानी कम है और ऊपर ही अच्छे से बन रही है वो, तो पानी भी गर्म हो रहा है। और आप उनको रख देते हैं रोल उठा के, तो जो रोल है तो इनको उठा कर अच्छे से जैसे रख देते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से सारे ऐसे रख दे रही हूं मैं। तो जी मैंने रख दिए, तो अभी गैस चालू है, कम से कम इनका 2 मिनट तक इंतजार करते हैं। तो 2 मिनट में को देखते हैं फिर, तो 2 मिनट के लेने अभी मिनट बाद देखेंगे दोस्तों। तो आप लगा देते हैं ढक्कन, तो आप इसको पकने देते हैं अच्छे से। लेते हैं मैंने एक हरी मिर्ची काट ली, 4-5 लहसुन कली और प्याज काट ली एक मीडियम साइज की। तो इनको मैं मिक्सर में पीस के लाती हूँ। चलो मैंने लहसुन प्याज मिर्ची पीस लिए सारे, तो इनको निकाल लेती हूँ, अब प्लेट में रखूंगी ढक्कन हटा के। तो बहुत हो गए टाइट थोड़े, तो इनको अब निकाल लेते हैं और गैस करेंगे बंद। पानी भी सूख गया कढ़ैया का, दो एक गिलास पानी रखा था, तो चलो इनको ठंडे होने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों मैंने गैस को चालू कर दिया, रख दी कढ़ैया, और इतना जो ठंडे हो रहा है तो ठंडे ज्यादा, मैं इनको काट लेती हूँ। अब बिल्कुल काटूंगी इनको इस तरीके से, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से इनको काटना है। तो इस तरीके से मैंने सारे पीस काट लिए। तेल, तो तेल गरम होने देते हैं, तेल डाल देते हैं।
तेल गरम हो रहा है और अब मैंने डाल दी आधी चम्मच जीरे। तो आधी अब डालती हूँ मसाला, ताकि धनिया मिर्ची हल्दी नमक सारा मसाला पेस्ट बना कर रख लिया मैंने, तो ये डालती हूँ। लहसुन प्याज सब इसी में पीस लिए मैंने पूरे मिक्सर में, ताकि पेस्ट अच्छा सा बन जाए और ग्रेवी सही बनती है। पकने दूंगी, अच्छी चलाती हूँ, कम से कम 2 मिनट तक पकाना है, ताकि मसाले में से तेल अलग होने लगे जब तक पकाना है। तो दोस्तों अब डाल देती हूँ आधी चम्मच नमक। तो नमक और पहले डाल दिया है मैंने इस पे इनमें, तो कम डाले नमक और पहले भी डाल चुके हूँ। देखिए बहुत बढ़िया से बन गया है, तो अब डालेंगे, अब डाल देते अब मसाले में अच्छे से कोट कर देंगे, मिलाएंगे इनको। फिर से खोल लेते हैं। तो अगर दोस्तों इसमें पानी डालना हो तो पानी डाल सकते हैं, और नहीं ऐसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे भी अच्छे लगेंगे, और अगर पानी डालना हो तो ग्रेवी के लिए थोड़ा बहुत तो पानी डाल देंगे। तो मुझे घी भी चाहिए, मैं पानी डाल रही हूँ, तो मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा। तो इतनी रखना है इस तरीके से, ऐसा ही ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, तो मेरे लिए इतनी ज़रूरत है। थोड़ा सा गीली सब्जी अच्छी रहती है, और गीली खाना है तो इसलिए। आप अगर सफ़र में जा रहे हो तो बिल्कुल सूखी फ्राई कर सकते हैं, सूखी पानी ना डालें, मसाले के साथ अच्छे से तल लें और बस। तो दोस्तों लौकी की रेसिपी बन के तैयार है, देखिए। तो अब इनको साइड में करते और निकालते फटाफट से रोटियाँ गर्म गर्म। तो दोस्तों थाली लगाऊंगी, अब मैंने रोटी रख ली बना के, रोटी थाली में रखा गई, तो अब सब्जी को सर्व करेंगे। दोस्तों देखिए बिल्कुल जवाब लौकी की रेसिपी इस तरीके से बनाई, और आप भी जरूर बनाइए, जो लौकी नहीं खाता होगा तो वो भी खाएंगे। तो दोस्तों लगा ली हमने थाली और बनी है मजेदार सी रेसिपी लौकी की। तो नहीं खाते हुए तो आप इस तरीके से आप जरूर बना के खिलाइए, और खाएंगे उंगली चाटते रह जाएंगे। आप जरूर बना के देखिए दोस्तों, और उसके बाद में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।